साथ स्वागत हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का। साथ ही हम स्वागत करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय और सूचना प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री राज्यवर्धन राठौर का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत करते हैं महामहिम राज्यपाल श्री सी विद्यासागर राव जी का। इस अवसर पर हम प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और इस म्यूजियम के एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन श्याम बेनेगल जी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन और इनोवेटिव कमेटी के मेंबर श्री प्रसून जोशी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का भी हम खैर मकदम करते हैं। देवी और सज्जनों, आज की तारीख ऐतिहासिक है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इस देश के पहले भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का लोकार्पण किया है। फिल्म जगत हमारे देश की सॉफ्ट पावर है। फिल्मों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो आमजन को विस्मय से अभिभूत कर देती है। बड़े पर्दे से जुड़ी चकाचौंध से सामान्य जन प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता और भारतीय सिनेमा के पास तो बड़े पर्दे की रंगीन दुनिया से जुड़ी ऐसी अनेक स्मृतियां हैं जिन्हें सहेजने और समेटने की अहमियत और आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि 1913 में भारतीय सिनेमा की पहली स्वदेशी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। तब से लेकर आज तक का जो सफर भारतीय सिनेमा ने तय किया है उसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने और साझा करने के लिए एक बड़ी पहल की जरूरत थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारत में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय है। भारतीय सिनेमा का जो इतिहास अब तक किताबों के पन्नों में सिमटा था, वो इतिहास जो अब तक स्मृति चिन्हों में ही कहीं ना कहीं मौजूद तो था लेकिन आंखों से ओझल था, आज वो अपना उचित और उपयुक्त स्थान पा रहा है जहां से दुनिया उसे देख पाएगी और सराहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने इस संग्रहालय को प्रदर्शित करने के लिए कई ऐसी नायाब वस्तुएं एकत्रित की हैं जो फिल्मों के गुजरे जमाने की शानदार दिलचस्प कहानी को प्रभावशाली ढंग से बयां करती हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, कई चुनौतियां सामने आई, कई मुश्किलों से पार पाना पड़ा और जिन लोगों के मार्गदर्शन ने इसमें अहम रोल अदा किया है उनमें नाम आता है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए श्री श्याम बेनेगल जी का, जो इस राष्ट्रीय संग्रहालय की एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन हैं। आपके मार्गदर्शन में ही इस संग्रहालय का मूर्त रूप और इसकी रूपरेखा तैयार की गई। अब मैं स्वागत संबोधन हेतु श्री श्याम बेनेगल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ स्वागत करें श्री श्याम बेनेगल जी का। वेलकम एड्रेस के लिए श्याम बेनेगल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। यू कैन कम हियर। गुड इवनिंग। 3 years आफ्टर सिनेमा वॉज इन्वेंटेड, दैट्स 1896, the very first Indian film was made. Very few people realize that Indian cinema is as old as its invention. Because the very first film that was actually, it's a very, very interesting little story, because there was a very famous Maharashtrian film, theater producer, Mr. Bhatwarekar. And Mr. Bhatwarekar decided that he was going to honor also at that time a very famous Maharashtrian mathematician and wrangler who was returning from Cambridge, and he was getting off at Apollo Bandar. And so Mr. Bhatwarekar went and filmed him getting off that ship. That's the very first film that was ever made in India. And that was made here in Mumbai. And you know, eventually Mumbai became the big capital, film capital of the country before others joined like Kolkata and Chennai. But the fact is that cinema really, this is truly the cinema city of this country, and therefore it makes a lot of sense to have the National Museum of Indian Cinema in Mumbai. And we have actually, it's quite extraordinary because the journey I think has been quite extraordinary, because we have done, as far as Indian cinema is concerned, it's the only cinema that has its own specific form different
from any other form of cinema from any other part of the world. Although we had such a huge influence of Hollywood films during the colonial era, the most important thing, of course, was that we created a form of film that suited us perfectly. So in other words, we created a form of entertainment in the cinema that had everything in it, that had tragedy, comedy, melodrama, dance, music, everything. So in other words, we created what is essentially a very interesting Indian dish, which is either the khichdi or the biryani. And so Indian cinema really has all those many flavors that you get from a khichdi or a biryani. And I think this is a wonderful day because, you know, for the first time, we have recognized our national asset, the cinema, by commemorating it and creating a museum for Indian cinema. And I think we are the only country in Asia, Southeast Asia and South Asia, that has such a museum. And obviously, because cinema is a medium that will continue to grow, sooner or later, we will have to extend this and go beyond the films division to goodness knows where. Because there was a time, I remember, when it was decided that actually, if you really want to grow with this film museum, it should be next to Film City and not in the heart of the city like Films Division, because here you cannot grow except upwards. But that you, even for that, there's a limit, and the number of people who can come to the museum are limited because of the kind of, the traffic problems and so on Pedder Road. But I have a feeling that what I believe about 5 years ago, what I believed will actually happen, and near the Film City, we probably will get a new space where we will have a National Film Museum, which will truly be, you know, the size that it requires. Thank you very much. It's a wonderful day today. Congratulations to everybody who made this museum possible. Thank you so much, Shyam Benegalji, for the welcome address. Mananiya, राजनीति में अगर युवाओं का पदार्पण हो जाए तो वो किस तरह का सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, इसका सफल उदाहरण हमारे सामने है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री राज्यवर्धन राठौर, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में फिल्म्स डिवीजन इस विशेष संग्रहालय के निर्माण की चुनौती को बखूबी पूरा कर पाया। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस विशेष अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर मौजूद महाराष्ट्र के गवर्नर श्री विद्यासागर राव साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इस म्यूज़ियम की एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष श्री श्याम बेनेगल साहब और प्रसून जोशी जी, यहाँ पर मौजूद सभी फिल्म जगत से जुड़े सितारे, फिल्म निर्माता, इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री से जुड़े आप सभी जो यहाँ आज उपस्थित हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके यहाँ आने से हम धन्य हुए। थैंक यू सो मच। दशकों से भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी देश सेवा, शायद हर साल के हर महीने की हर फ्राइडे पे जो फिल्म आती है उसकी सफलता और असफलता के नीचे और फिल्म के जो कॉमर्स के नीचे शायद दब गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि आपकी फिल्में, आपकी कहानियाँ, आपके किरदार, आपके गाने, आपके डायलॉग्स न जाने कितने लाखों को प्रेरित करते हैं, सपने दिखाते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, सफलता के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को हमारी सरहदों से कई मीलों दूर तक आपकी फिल्में और आपकी कहानियां लेके गईं। शायद ही कोई देश होगा पूरे विश्व के अंदर जहां पर आपके फैंस नहीं हैं, और जहां आपके फैंस हैं वहां पर हिंदुस्तान की भाषा पहुंच चुकी है, वहां हिंदुस्तान का कल्चर पहुंच चुका है,
और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आपकी बहुत बड़ी देश सेवा है। देश सेवा अलग अलग रूप में है, आप इस रूप में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से पूरे फिल्म जगत को लेकर और फिल्म जगत की इस फिल्म इंडस्ट्री को किस तरह से हम और मजबूती दे सकते हैं उसके लिए हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहे हैं। मुझे याद है 2015 में मैं पहली बार कैन फिल्म फेस्टिवल गया था और मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ जाने की एक मंत्री को क्या ज़रूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा जाके जाइए, देखिए, ऑब्जर्व करिए और कुछ ना कुछ अच्छा करके आइए। और 2015 में ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हमारी जो फिल्में ऑस्कर्स में जाती हैं क्यों नहीं हम उनको मदद करें, उनकी पब्लिसिटी में फाइनेंशियल हेल्प करें। और 2015 में हम एक अपनी पॉलिसी में बदलाव लेकर आए और अब हम हमारी हिंदुस्तान की जो फिल्में ऑस्कर्स में जाती हैं हम उसके लिए अलग हमने फंड रखा है ताकि हिंदुस्तान की फिल्में जाके वहाँ जीतें। यही सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है। हम खिलाड़ियों को इंसेंटिव्स देते हैं, उनको खेलने के लिए मदद करते हैं ताकि वो देश विदेश में जाके तिरंगा को लहराएं, और जब हमारी फिल्में पूरे विश्व में अच्छा करती हैं वो भी हमारे देश को आगे बढ़ाता है। 2016 में फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस हमने खोला जिसके अंदर देश विदेश से जो फिल्म निर्माता हैं अगर भारत में आके फिल्म बनाना चाहें तो उनको कई तरह की दिक्कत आती है। मैं जानता हूं कि आप खुद बेहतर रूप से जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत है। और इस फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस में एक सिंगल विंडो हमने बनाई ताकि जो देश विदेश के निर्माता हैं उनको एक सहूलियत हो, आसानी हो एक सिंगल विंडो से, ताकि जितनी भी परमिशंस हैं चाहे केंद्र सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हो, स्टेट लेवल्स की हो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हो, पुलिस डिपार्टमेंट की हो, ये सारी जो परमिशंस हैं वो एक जगह मिल सकें। आप खुद जानते हैं कि जब हम टूरिस्ट बन के कहीं जाते हैं तो कोई पुरानी ऐतिहासिक जगह को देखते हैं तो अक्सर गाइड ये बताते हैं यहाँ पे कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई है, तो अपने आप में ये टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देती है। 2016 और 17 में हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर गेमिंग एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स का एक रूप रखा और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने हमें यही मुंबई में जगह भी दी। कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसी पाठशाला बने, एक ऐसा कॉलेज बने, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जिसके अंदर फंडिंग हम करें उसको खड़ा करने के लिए, उसकी ज़मीन के लिए, लेकिन उसकी फैकल्टी अपने आप में पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो। और ऐसी जगह अगर फिल्म बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के पास हो तो और भी बढ़िया, उसके ऊपर काम अभी और चल रहा है। यहीं पर ही लोग सीखेंगे और यहीं पर ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे तो एक दूसरे को सहारा मिलेगा। 2018 में आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले आप में से कुछ फिल्म जगत से जो लोग थे प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने आग्रह करा और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत GST को बदला और जो फिल्म के जो टिकट्स हैं उसको 28% से घटाकर 18% करा और जो 100 रुपये से कम है वो तो सिर्फ 12%। और आज हम जनवरी 2019 में नेशनल फिल्म म्यूजियम के उद्घाटन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो देश सेवा आपने करी है उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई, ताकि आने वाली पीढ़ी और प्रेरित हो सके और आपसे भी आगे जा सके। आज इतने बड़े रूप में आप यहाँ मौजूद हैं, आप सब संघर्षरत लोग हैं, आपने संघर्ष कराया अपने जीवन में और साधारण से आप असाधारण बने हैं। और जो लोग संघर्ष करते हैं वो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं संघर्ष करके जो ऊपर उठते हैं उनको बखूबी पहचानते हैं। आई कैन वेरी प्राउडली से दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो रिजन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पोजिशन टू अ सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन। He's through his work, he's a rock star for all the people, general people in living in the villages, as well as those elite living in countries in India and outside. It's our great fortune today that our Prime Minister is here to inaugurate, and he's pushed us to get this museum going, and I thank him for that. He's been an inspirational figure for all of us, never tiring, never flinching, always committed to our country, and I thank on behalf of every one of us here, that the Prime Minister is here himself. Thank you so much, sir, for coming here and honoring us. बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री महोदय। माननीय, भारत देश आज तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय जाता है देश का गौरव बढ़ाने वाले
सदा देश की जनता की खुशहाली के प्रति समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश कल्याण, लोक कल्याण जिनके जीवन का ध्येय है। ऐसे जन जन के प्रिय हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूँ कि अपनी ओजस्वी वाणी में अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें और उद्घाटन संबोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत प्रधानमंत्री जी का। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, यहाँ के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी राजवर्धन राठौर जी, श्रीमान श्याम बेनेगल जी, प्रसून जोशी जी और यहाँ उपस्थित सिने जगत से जुड़े हुए सभी रथी महारथी, इस शानदार स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सिनेमा जगत के दिग्गजों के बीच आना, क्रिएटिव वर्ल्ड से बात करने का अवसर मिला है। मेरे जीवन का शायद ये पहला अवसर है। कभी कभार किसी से नमस्ते नमस्ते हो जाती है, लेकिन मिलने का कभी मुझे अवसर नहीं आया। गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन फिर भी कभी नहीं आया मौका, लेकिन आज मौका मिल गया। आपके डायरेक्शन में, गाइडेंस में, आपके टैलेंट की वजह से भारत में सिनेमा निरंतर नए आयाम छू रहा है और मेरी कामना है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे, इस वर्ष विशेष रूप से जारी रहे। आप सभी को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीते दो दशक से इस म्यूजियम के बारे में किसी न किसी रूप में चर्चा चल रही है। आज इसके लोकार्पण के साथ हमारे सिनेमा के सुनहरे अतीत को एक जगह संजोने का सपना पूरा हुआ है और मैं अनुभव करता हूँ कि बहुत अच्छे काम ऐसे हैं मेरे पूर्वज जी के लोगों ने मेरे लिए खाली छोड़े हुए हैं, तो मौका मुझे ही मिलता रहता है। आज जब आप सभी नए भारत के नए सिनेमा को गढ़ने में जुटे हैं, तब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सभी पीढ़ियां हैं, इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है। साथियों, फिल्मों की दुनिया बहुरंगी होती है और उसके कई पहलू होते हैं, और नेशनल फिल्म म्यूजियम इन्हीं पहलुओं के दर्शन देशवासियों को या इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर बन करके काम करेगा। नेशनल फिल्म म्यूजियम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, प्रसिद्ध फिल्म हस्तियों के बारे में पता चलेगा और उनके संघर्षों के स्वर्णिम किस्से कहानियों की झलक सामान्य मानवी
जान पाएगा, दे पाएगा। मैं समझता हूँ कि नेशनल फिल्म म्यूजियम से हमारी युवा पीढ़ी को काफ़ी कुछ देखने, सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने भी इस म्यूजियम की व्यवस्थाओं को देखा है। पहले 2 मंजिल जाना था, फिर मन कर गया तो तीसरे पर चले गए। मन में रहता हो रहा था कि आप लोग बैठे होंगे, इंतज़ार करते होंगे, लेकिन बना ऐसा है कि मन कर गया तो आखिर तक चले गए, और इसके कारण आपके बीच आने में देर भी हो गई, आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये म्यूजियम हमारी फिल्मों की तरह ही समृद्ध है। इसमें इतिहास का गौरव भी है और भविष्य की ऊर्जा भी है। इसमें प्राचीनता का मान भी है तो इसमें आधुनिकता का सम्मान भी है। यह गुलशन महल का हिस्सा हमारे इतिहास की गवाही दे रहा है तो दूसरी अत्याधुनिक इमारत हमारे दूरदर्शी होने का प्रमाण देती है। गुलशन महल की इमारत में सिनेमा की शुरुआत की गौरव गाथा है, और मुझे बताया गया है कि म्यूजियम के इसी हिस्से में 30 घंटे की ऐसी फुटेज है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में हमारी सेना के शौर्य को दिखाया गया है। मैं फिल्म डिवीजन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे सेना से लेकर के इसे डिजिटाइज करने का काम किया है, और इस डिजिटेशन के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे देश के 20 लाख सैनिक और अधिकारियों का शौर्य अब हमारी आने वाली पीढ़ी जान पाएगी, उनके लिए प्रेरणा होगी। बहुत कम लोगों को मालूम है, ना हमें उस जमीन से लेना देना था, ना किसी के झंडे के लिए झड़ना था, मरना था, ना हमारे लिए मर रहे थे, लेकिन मेरे देश के 1.5 लाख जवान पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए हैं। उन चीजों को भुला दिया गया है, उसको एक बार शायद इस स्थान पर से, इस नए फॉर्म में उस असलियत को देश जान पाएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। और विश्व को, मैं जब दुनिया के लोगों से बात करता हूं, जब मैं कहता हूं कि आप मुझे पीस मत सिखाइए, हमें शांति के लिए दुनिया में 1.5 लाख जवानों को शहीद किया है, हम वो लोग हैं, ये हमारा इतिहास, हमारी गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। और साथियों, वास्तव में फिल्म और समाज दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होते हैं। समाज में क्या हो रहा है वो फिल्में में देखने को मिलता है, और जो फिल्मों में हो रहा है वो समाज में भी आपको नजर आता है। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि समाज में आता हुआ परिवर्तन लोग आइडेंटिफाई करें, उससे पहले ही उसकी झलक फिल्मों में मिल जाती है, और मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है। कला जगत आने वाले कल को परख लेता है। हम सबको याद है कि आजादी के बाद 60-70 के दशक में श्रीमान मनोज कुमार जी की देशभक्ति से भरी फिल्मों का दौर था। इसके पीछे आजादी के लंबे संघर्ष ने बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी तरह 70-80 के दशक में एंग्री यंग मैन की एंट्री होती है, लेकिन जब समाज में काफी सुधार हुआ, गुस्सा कम हुआ, तो आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ने लगी। फिल्मों में भी ये रिफ्लेक्शन देखने को मिला। समाज में बदलाव के साथ हर दौर में फिल्में भी बदलती रही। आज हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि जब मैं मेनस्ट्रीम सिनेमा में हीरो हमेशा बड़े शहर से, बड़े परिवार से, मुंबई से, दिल्ली से, चिकनी
शरद शुक्ल के साथ नजर आया करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये सिलसिला बदला। टीयर टू टीयर थ्री शहर के कस्बों से और सामान्य परिवार से ऐसे होनहार नौजवान आ रहे हैं जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जान दे रहे हैं अपनी कला के माध्यम से, अपने कौशल्य के माध्यम से। और वैसे भी, और ये जो मैं कह रहा हूं कि टीयर टू टीयर थ्री सिटी छोटे छोटे स्थान से, ये भी एक बदलते भारत का रूप है जो हमने देखा है और हमने अनुभव किया है। आज स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो, इवन 10th 12th के रिजल्ट आप देखेंगे तो बड़े शहर की बड़ी नामांकन स्कूल के बच्चे नहीं होते हैं, छोटे स्थान से होते हैं। यानी देश की वो ताकत उभर करके बाहर आ रही है। हमने भारत की गरीबी पर तो बहुत फिल्में देखी है, भारत की बेबसी पर भी हमने फिल्में देखी है, और मेरा मानना है कि ये एक बदलते समाज की निशानी है कि अब प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। वरना हम स्वभाव से वो लोग हैं जिसने गरीबी को वर्च्यू माना है। फटे कपड़े हो, हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो शुरू होता है एक बेचारा गांव का गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता है। यानी गरीबी को वर्च्यू मानकर ही हमने हमारी साइकी बन गई। लेकिन अब बदलता हिंदुस्तान अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से देखता है, दिखाता भी है। और साफ है आज समाज के साथ फिल्मों में भी ये बदलाव दिख रहा है। समस्याएं तो है, अब उसका सॉल्यूशन भी है। अड़चन है तो उसे दूर करने का जुनून भी है। भारत बदल रहा है, भारत अपना हल खुद ढूंढ रहा है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन सॉल्यूशंस भी है। हम बदल सकते हैं, यह आत्मबल दिख रहा है, और यही वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से अब समाज को झकझोरने वाले विषयों को उठाने में झिझक नहीं हो रही है। हम परेशानियों से घबराते नहीं है, नहीं छिपाते हैं उसे, बल्कि सामने लाकर उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और न्यू इंडिया का यही वो नया विश्वास है जो एक भारतीय को गर्व से भर देता है। साथियों, आपने एक और ट्रेन पर गौर किया होगा। पहले फिल्में बनती थी तो 8 साल 10 साल 10 10 15 15 साल लग जाते थे, और बहुत मशहूर फिल्मों की पहचान ये होती थी कि उसे बनने में कितना समय लगा। यानी वो उसकी क्राइटेरिया माना जाता था कि 8 साल बनी 9 साल बनी 12 साल बनी, और उसकी चर्चा हुआ करती थी। अब फिल्में बनती हैं, कुछ ही महीने के टारगेट के अंदर तैयार होकर के आ जाती हैं। अब आप सोचिए देश की योजनाओं के साथ भी क्या पहले वही नहीं होता था? 30 साल 40 साल, म्यूजियम को भी 20 साल हो गए। और अब कैसे सरकार की योजनाएं एक तय समय में पूरी करने की कोशिश की हो रही है, और ये आप सब देख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि देश की यंग एस्पिरेशंस को भांपकर आपने पहले ही खुद को विकसित कर लिया तो शायद मेरी बात गलत नहीं होगी। आप एक दो कदम आगे हैं। आपकी यही शक्ति नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा योगदान करती है। साथियों, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कंटेंट में मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं, एक्शन रिएक्शन, कॉमेडी ट्रेजेडी का वो हर पहलू दिखता है जो दुनिया को कनेक्ट करता है। आखिर देश कोई भी हो, मानवीय भावनाएं तो वही होती हैं, और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इस मर्म को महसूस किया है। मैं एक बार विदेश जा रहा था, हवाई जहाज में एक हमारे साथी यात्री एक बैठे थे,
बड़े अजीब सा सवाल मुझे उन्होंने पूछा। बोले मैं भारत आता रहता हूँ, मैं भारत की फिल्में भी देखता हूँ। बोले आपके यहाँ ये कलाकार पेड़ को लिपट करके रोते क्यों है, मंदिर में जाकर के रोते क्यों है, चिल्लाते क्यों है? यानी उसके लिए ये अजूबा था कि हिंदुस्तान में ये कौन सी परंपरा है कि आदमी तुरंत रिलैक्स हो जाता है। उनके लिए अजूबा था, लेकिन हमारी फिल्मों ने उस महारत के द्वारा सामान्य मानवी की भावनाओं को बड़ी सहजता से प्रवाहित किया है। और मैं मानता हूँ ये छोटी चीज नहीं है, लेकिन वो तब होता है जब कला, कलाकार और साहित्यकार जमीन से जुड़े होते हैं, तब वहीं से ये बीज अंकुरित होता है, तब वो होता है। बात चाहे फन पैदा करने की हो या फैन बनाने की, हम यहां भी अपना असर डालते हैं। मैं फिल्म जगत के को इस उपलब्धि के लिए मैं सचमुच में हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं देख रहा हूं आज हमारा युवान अगर बैटमैन का फैन है तो साथ में बाहुबली का भी फैन है। हमारे किरदारों की भी अब ग्लोबल अपील है। साथियों, भारत के सॉफ्ट पावर की शक्ति मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये फिल्में ही हैं जो पूरे विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही है, दुनिया को भी वह अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत का ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्मों को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी गजब की दीवानगी होती है। और मैं ये प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं जब मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। मैंने कुछ देश के राष्ट्रपति देखे हैं जो पूरे हिंदी फिल्म की गाने बढ़िया ढंग से गाते हैं जी। मैं अभी इजराइल गया था तो रात को इजराइल के प्रधानमंत्री जी के घर में खाना खाने गया था। हम दो ही लोग थे, ऐसे ही मेरा जरा दोस्ताना ज्यादा रहता है, बड़ा तामझाम वाला कम रहता है। तो ऐसे ही बातें चल पड़ी। अब हम इतना ट्रैवलिंग करके गए थे, लेकिन रात 2-2.5 बजे तक हम बैठे गप्पे चलते रहे, हमारे काफ़ी बातें सुन। तो उन्होंने मुझे इच्चक दाना पूरा गीत सुनाया जी। अब इजराइल के प्रधानमंत्री हमारी भाषा नहीं जानते, उसका अर्थ क्या होता है मालूम नहीं है। मुझे भी इच्चक दाना का अर्थ मालूम नहीं है। और यही तो फिल्म इंडस्ट्री की ताकत है जी। और मुझे याद है कि जब कुछ समय पहले मैं दक्षिण कोरिया गया था, साउथ कोरिया, तो वहाँ राष्ट्रपति जी ने भोजन दिया था। तो भोजन के समय बच्चों का परफॉर्मेंस का एक कार्यक्रम रखा था, तो स्कूल के बच्चे हाथी मेरे साथी उसका गाना गाया और एक्शन के साथ गाया। तो बाद में मैं उन बच्चों को मिला, मैंने कहा ये आपको मालूम है क्या गा रहे थे आप? कुछ बच्चे बता पाए हाथी का मतलब क्या होता है, बाकी मालूम नहीं था। तो मैंने कहा भाई इतना बढ़िया आपने किया, इतने कम समय में कैसे मेहनत करके किया, देखिए प्रभाव है हमारी इंडस्ट्री का। फिर मेरा भी मन कर गया, तो मैंने आकर के उस गीत को कोरियन लैंग्वेज में डबिंग करवाया और मैंने उसको वापस भेजा स्कूल के बच्चों को। देखिए ये ताकत है आपकी। और इसी तरह फिल्मों के साथ साथ इन दिनों हमारी टीवी सीरियल्स ने भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। सांस भी कभी बहुत ही हमको लगता होगा कि हिंदुस्तान में चलती होगी, ऐसा नहीं जी। मैं दुनिया के जिन देशों में गया हूं
और खास करके मैंने अफगानिस्तान में देखा, शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा कि जो इस सीरियल को नहीं देखता हो। यानी हमारे आसपास के देश के लोगों को भारत के सामान्य जीवन को देखने की रुचि नजर आती है और उसकी चर्चा करते, खुल करके करते हैं। मैं एक बार वियतनाम के प्रधानमंत्री से के साथ बैठा था, तो ऐसे ही मैंने कहा था सबको परिवार के साथ बुलाया, आप अकेले क्यों आए हैं? अब वो पूरी तरह कम्युनिस्ट हैं, देश कम्युनिस्ट, नेता भी कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्टों को तो जानते हो, यहाँ कुछ लोग होंगे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को धक्का लगेगा, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपके श्रीमती जी को लाना चाहिए था, ये बड़ा ही अच्छा, ये जो 26 जनवरी को मैंने सब देश के लोगों को बुलाया था तब बात हुई, तो बोले भाई मेरे घर में एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? उनकी आयु भी बड़ी है। बोले मेरी पत्नी रामायण सीरियल हमारी लैंग्वेज में डबिंग हुई है, तो वो घंटों तक रामायण सीरियल देखती रहती है, छोड़ने को तैयार नहीं होती। बोले उसके कारण उसने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा इंपैक्ट है हम लोगों का। अगर हम हमारी इस ताकत को न पहचाने तो मैं समझता हूं कि दोष हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। साथियों, सिनेमा की एक मुख्य ताकत, साइलेंट पावर, ये भी है कि वो लोगों को बिना बताए, बिना ये जताए कि हम आपको ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक नया विचार, एक नया थॉट जगाने में वो अपने आप कैटलिक एजेंट का रोल कर देता है। चीज चल पड़ती है जी। अनेक ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें देखकर जब लोग निकलते हैं तो अपने थॉट प्रोसेस के लिए कुछ नए सीड्स, कुछ नए आइडियाज लेकर के निकलते हैं। अब आप देखिए, इन दिनों टॉयलेट जैसा विषय हो, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा विषय हो, स्पोर्ट्स हो, बच्चों की समस्याओं से जुड़े पहलू हो, गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता का विषय हो, या फिर हमारे सैनिकों के शौर्य, आज एक से एक बेहतरीन फिल्में आप सबके माध्यम से देश तक पहुंच रही है। एक विचार पहुंच रहा है, एक आंदोलन पहुंच रहा है। इन फिल्मों की सफलता ने सिद्ध किया है कि सामाजिक विषयों को लेकर भी अगर बेहतर विजन के साथ फिल्म बने तो वो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हो सकती है और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान भी दे सकती है। साथियों, आपकी फिल्मों और फिल्म के प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जिस तरह देश की विविधता का, देश की डाइवर्सिटी का सम्मान होता है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। और मैं मानता हूं फिल्म जगत के लोगों ने इस विषय को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो करके जागरूक प्रयास करना चाहिए। हमारे हिंदी फिल्मों में नेपाली कलाकार और नेपाली भाषा का तो हर किसी ने लाभ लिया है मनोरंजन के लिए, लेकिन भारत के हर राज्य की अपनी विशेषता है। एकाध कलाकार दो चार वाक्य भी फिल्म में किसी और भाषा में बोले, देश की एकता का संदेश लेके जाता है, उसे अपना लगता है। नागालैंड का व्यक्ति दिखाई दे और नागालैंड नागा भाषा में बोले तो को लगता है भाई, जिस देश के पास 100 लैंग्वेजेज हो, 1700 डायलेक्ट्स हो, कितना रिचनेस है हमारा, हम इसको कैसे समेटे, एकता की ताकत को कैसे प्रकट करें। एक कलाकार अगर एक देश की एक राज्य की एक कहावत बोले तो दूसरा तुरंत उसी कहावत को अपनी भाषा में बोले तो देश की एकता का सूत्र अपने आप प्रकट हो जाता है। ये ताकत, ये कम्युनिकेशन की ताकत है। देश में कितने ही टूरिस्ट स्पॉट, अभी राजवर्धन राठौर जी बता रहे थे, फिल्म की वजह से जाने जाते हैं, और हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए। आज भी जैसे हर जगह पे जाएं तो लोग हमें कहेंगे भाई यहाँ ये फिल्म बनी थी, यहाँ वो फिल्म बनी थी, उसने उसको मालूम भी नहीं होगा, उसका जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन वो बताएगा यहाँ फिल्म हुई थी, देवानंद साहब यहाँ आए थे, टिकना आए थे, वो बताएगा। भारत की अलग अलग तस्वीर को इतने खूबसूरत तरीके से देश के लोगों के सामने रखकर, और मैं मानता हूँ कि टूरिज्म को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल हमारी ये इंडस्ट्री कर सकती है।
बहुत बड़ा रोल है। और इन दिनों हिंदुस्तान का टूरिज्म का ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी दुनिया को ताजमहल से आगे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है जी। और ये कुल मिलाकर के हमारा जो स्वभाव, हमारा देश बेकार है, ये जो हमारा मूड बना हुआ है ना, उसी का रिफ्लेक्शन है ये। हमारे पास भी दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ये जो आन बान शान से आंख मिलाकर के बात करने का जो मिजाज चाहिए, वो लाने में आप बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि हमने टूरिज्म को भी बढ़ावा, और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो गरीब से गरीब को रोजगार देता है, चाय वाला भी कमाता है। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, ये बात सही है, थोड़ा बहुत राजवर्धन जी ने उल्लेख किया, और मुझे भी कुछ लोग पिछले दिनों मिले थे, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी कि भाई हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमें परमिशन के लिए परेशानी होती है, टिकना होता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, हमारा टाइम टेबल लड़खड़ा जाता है, हम सब तैयार किए जाएँ और एक म्यूनसिपल कमिश्नर की परमिशन नहीं मिल जाए, हमारा सारा एक कठिनाई है। मेरे सामने विषय आया, मैं ज़्यादा तो आप लोगों की दुनिया जानता नहीं था, लेकिन जब बताया तो मेरा भी ध्यान गया। तो मैंने हमारे अफसरों को कहा कि भाई इसका क्या किया जा सकता है, उनसे पूछा, और मैंने उनसे कहा कोई तरीका निकालना चाहिए। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश में अलग अलग हिस्सों में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी मंजूरियों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की नई व्यवस्था बनाने का काम शुरू किया जा चुका है, और इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। फिर NFDC के संबंधित अफसर इस काम के लिए नियुक्त किए जाएंगे, वो तय समय से इस प्रक्रिया को वहीं से कर करके आपको दे देंगे, यानी सरकार खुद इसकी चिंता करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार के इस प्रयास से ये आपकी एक बहुत बड़ी कठिनाई जो मेरे सामने, जिन नौजवानों ने मेरे सामने रखी थी, तो मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन उनको निकलना चाहिए। भविष्य में आपको शूटिंग की परमिशन के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा अलग अलग जगह पर 500 लोगों का आपको सलाम नहीं करनी पड़ेगी, और कभी कभी तो वो कहता होगा कि आपके जो हीरो हैं उससे हाथ मिलवा के फ़ोटो निकलवाओ तब मैं परमिशन लूँगा, ऐसा भी होता होगा। आप बताते नहीं होंगे लेकिन ऐसे सारे अनुभव आते होंगे आपको, और आपको भी लगता होगा ये सस्ता रास्ता है यार, ले चलो इसको। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ फिल्मिंग की सुविधा आपको मिले, उसके लिए सरकार जागरूक है, और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, आप विश्वास कीजिए। साथियों, भारतीय सिनेमा को और सशक्त करने के लिए, देश में सकारात्मकता के लिए एक व्यापक विमर्श तैयार करने के लिए सरकार पूरी शक्ति से आपके साथ है। मुझसे कुछ साथियों ने कुछ समय पहले GST को लेकर के चिंता जताई थी, यही राजभवन में मुझे मिले थे, तो उनका मेन यही चिंता थी कि साहब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन देखने वाला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। और कलाकार जब ये काम करता है, बॉक्स ऑफिस देखने वाला एक वर्ग होगा जिसने पैसे डाले हैं, लेकिन बाकी जो क्रिएटिव नेचर का है वो तो चाहता है भाई जनता के दिलों में इसकी बात क्या हुई, उसके दिमाग में तो वही रहता है कितने लोगों ने देखा, क्या अनुभव किया उसका, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड जो है उसकी तो उसको रुपये पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने GST काउंसिल से सारा बात बताई, उनको कहा कि भाई देखिए ये मेरे पास विषय आया है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है वो, GST काउंसिल के हाथ में है, लेकिन देश में ऐसा माना जाता है सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तैयारी है, कोई तो चाहिए जिस डिब्बे में सब डाला जा सके, वरना सफाई कैसे होगी। और मुझे खुशी है कि GST काउंसिल ने इस चिंता को दूर किया है, अब 100 रुपये के ऊपर के टिकटों पर लगने वाली GST को 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है।
साथियों, एक विषय मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का। मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर के आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है। पायरेसी आपके श्रम और आपके सामर्थ्य का अपमान है और इसे रोकने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। हम जिस संशोधन की दिशा में जा रहे हैं, उस संशोधन के बाद कैमकॉर्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1400 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया है। और आप हैरान होंगे, जब मैं 2013-14 में चुनाव प्रचार करता था, जब मेरी पार्टी ने बता दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, आमतौर पर सरकारों की पहचान क्या होती है, हर सरकार इस बात को लेकर के बाजार में जाती है, लोगों के पास जाती है, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, क्या हुआ वो बात की बात है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमने ये बनाया। तब मैंने कहा था कि कानून बनाने वाले सरकारों को देखा है, मैं एक ऐसी सरकार लेकर आना चाहता हूँ जो कानूनों को खत्म करे। और मैंने ये कहा था मैं पर डे कानून खत्म करूँगा, ऐसा मैंने कहा था। और आपको शायद, आपको अब तक ये बातें पहुँची नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी बातें होती हैं जो देश में उसका बड़ा महत्व नहीं होता है। अब तक 1400 कानून खत्म किए हैं जी, 4-4.5 साल के कार्यकाल में 1400 कानून खत्म किए हैं, ताकि प्रक्रियाएं सरल हो, सरकार के साथ नागरिक को रोजाना जद्दोजहद करनी पड़े, ये समझ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। आज जब मैं आपके पास आया हूं तो मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप में से जो इस पूरे क्षेत्र की चिंता करते हैं, देखिए अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, आज आप मोबाइल फोन पर दुनिया का कोई भी रेडियो सुन सकते हो, लेकिन फिर भी सरकार का कानून है कि रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब मिसमैच है, खैर मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है और कानून हमारे 1952 के हैं, क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय पर गौर से सोचे कि भाई ये कौन से कानून है जो आज के युग में बिल्कुल इरेलेवेंट है, बेकार है, लेकिन वो लटके पड़े हैं जी, कोई उपयोग नहीं है। आप अपने एक्सपर्ट से बात करके, एक एक शब्द पढ़ करके अगर कोई डिटेल नोट बना करके मुझे देते हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं और कुछ कानूनों को खत्म करूं जो आपके लिए रुकावट बने पड़े हैं और बदले हुए युग के अनुकूल नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई इसको इनिशिएट ले करें, क्योंकि देश के लिए एक एक प्रकार से, और मेरी ये कोशिश है कि आपको सरकार के एक और फैसले के विषय में भी बताना चाहता हूं। एनिमेशन, अभी थोड़ा बहुत हमारे राजवर्धन जी ने उल्लेख किया था, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट में हमारे युवाओं की प्रतिभा का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। देखिए, दुनिया में जैसे मेक इन इंडिया एक महत्व है, वैसे डिजाइन इन इंडिया इसका भी एक महत्व है। हमारे पास जो क्रिएटिव टैलेंट हैं वो दुनिया को बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन उसके लिए एक सशक्त करने के लिए एक सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, उसकी भी स्थापना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे मैं तो ये चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री मिलकर भविष्य में, और ये विचार मैं आग्रह से आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या समय की मांग नहीं है कि दुनिया में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जो इतना बड़ा क्रिएटिव वर्ल्ड है पूरा, विश्व की तुलना में बहुत बड़ी ताकत है हमारी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में काम करते करते सीख जाएं, घर में पहले कोई गाड़ी साफ करने के लिए रखते हैं, बाद में वो ड्राइवर बन जाता है, अब उसमें कितने साल जाते हैं।
आज देश में मुझे लगता है आवश्यकता है कि एक कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, उसके लिए एक अलग यूनिवर्सिटी हो। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस विषय को लेकर के आगे आते हैं और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी जो इसी काम के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जिसमें क्रिएटिविटी को स्कोप हो, जिसमें दुनिया के चलते प्रवाहों की दुनिया में हम कैसे, उसमें फाइनेंस वर्ल्ड की भी विषय हो, अगर उस प्रकार से कोई प्रपोजल लेकर के, और मैं चाहूँगा कि ये सब सरकार करे तो पता है साहब सरकार क्या करेगी। तो प्रधानमंत्री मैसेज आएगा कि मेरी फिल्म बनाओ, तो मुझे वो नहीं कर रहा है। देश के सामान्य मानवी के लिए जो काम आए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम विकसित करें, अगर आप उस प्रकार की बात देंगे, सरकार पूरी तरफ से सहयोग करेगी, पूरा सहयोग करेगी। लेकिन देश को इस दिशा में हमने कुछ न कुछ चला। साथियों, आपसे ऐसी एक चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण सुझाव कुछ मित्रों की तरफ से आया था और मुझे वो सुझाव अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि हमने अपने आप को ये मुंबई या दुनिया से बाहर लाना है जी, ये बहुत जरूरी है। और ये सुझाव मेरे पास ये आया था कि जैसे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट होती है, क्या वैसे ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समिट क्या हम देश में हर बार दो साल के बाद कर सकते हैं क्या? लगातार आप लोगों के अभी जो फेस्टिवल होते हैं उसका मुख्य आधार क्रिएटिविटी होता है, बिजनेस को मुख्य आधार बनाकर, नए मार्केट को मुख्य आधार बनाकर के ग्लोबल फिल्म समिट हो, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उसमें अलग अलग सेमिनार हो, फाइनेंस इस दुनिया में किस प्रकार से नए तरीके हो सकते हैं उसकी चर्चा हो, यानी अपने आप में हमारा सिर्फ कलाकार तक सीमित नहीं, एक पूरी जिसके अंदर लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसका ग्लोबल एक्सपोजर हो, दुनिया को हमारी इंडस्ट्री से एक्सपोजर मिले, दावोस लाइक एक समिट। तो मैंने उस समय कहा था कि शुरुआत हम ऐसी करें कि पहले एक दो साल भारत की ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो फिल्म व्यवस्थाएं हैं अलग अलग भाषाओं में हैं उनकी एक समिट से शुरू करें और फिर हम उसको ग्लोबल समिट बनाएं। और दावोस से कम जरा भी नहीं, मैं कुछ लोगों का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे मेरा एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जब जन्मा हूँ तब से कि मुझे छोटा दिमाग में बैठता ही नहीं है, और इसलिए एक वैश्विक ताकत के रूप में उभरने का एक तरीका है जी। दुनिया के सामने हमारे लोग आकर के खड़े होंगे, बात करेंगे, चर्चाएं होगी, विश्व को समझना होगा, हाँ ये जो 50-60-100 साल की यात्रा है बेकार नहीं गई है जी, बहुत बड़ा काम देश का हो सकता है। साथियों, अक्सर जब फिल्म जगत की बात आती है तो उसका एक ही पहलू को ध्यान में आता है, ग्लैमर, चमक दमक, चकाचौंध, यही इसी के आसपास है। लेकिन मैं मानता हूं कि फिल्म जगत में ग्लैमर और चकाचौंध से भी आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है, आशाएं, अपेक्षाएं, दर्द है, पीड़ा है, बहुत कुछ है जी। आज मैं जब म्यूजियम देख रहा था, कितनी कठिनाइयों से उस जमाने में फिल्म बनी होगी, हमें तो इस विषय का कोई ज्ञान नहीं था, देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे काम होता था, इतनी मेहनत लगती थी, इतने घंटों तक खड़े खड़े काम करना पड़ता था। दुनिया को तो सिर्फ कलाकार दिखता है, बाकी चीजें पता नहीं होती है। मैं समझता हूं कि समय की मांग है, और मैं मानता हूं कि ये जो हमारे देश में सब कुछ घूम फिर करके पॉलिटिकल लीडर के आसपास आ जाता है ना, उसने देश का बहुत नुकसान किया है। आवश्यकता से अधिक उनको स्पेस मिल गई है, उनके जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, उसमें मुझे इनकार नहीं है, लेकिन रास्ता बनेगा तो उनके नाम पर, चौराहा बनेगा तो उनके नाम पर, बिल्डिंग बनेगा तो उनके नाम पर, यही चलता है जी। मैं मानता हूं आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं, चाहे टेक्निकल साइड पे हो, क्रिएटिव साइड पे हो, कला के क्षेत्र में हो, परफॉर्म करने वाले लोग हो, आप स्वयं एक इंस्टीट्यूशन है, और आपने अपने जीवन को इस स्थिति में रखने के लिए, कलाकार होगा
हमें अच्छा लगता है जब देखते हैं जितेंद्र जी को कि वह बॉडी मेंटेन किया है, लेकिन मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत की होगी तब किया होगा भाई। लेकिन ये सामान्य मानवी को पता नहीं है। मैं समझता हूं कि क्या जो संघर्ष करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, आप संकोच मत कीजिए, आप अपने साथियों के साथ इन चीजों को शेयर करते हुए, आज जब सोशल मीडिया की इतनी रीच है, बताइए आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई, कितनी कठिनाइयों से हुई, कितना संघर्ष किया आपने, कैसी मुसीबतों से दिन निकाला, कितने घंटे काम करते थे, कभी हिमालय के बर्फीली जगह पे जाना है और शूटिंग करना है, शरीर मदद नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, हंसना है तो हंसना पड़ता है, ये सारी चीजें। वरना क्या होता है, हमारी नई पीढ़ी गुमराह हो रही है, उसको एक चकाचौंध दिखती है, उसके पीछे जो तपस्या है, जो परिश्रम है, त्याग है, बलिदान है, उसे पता नहीं चलता है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ न कुछ बातें ऐसी लगातार, अब सोशल मीडिया की रीच है जी, पहुँचेगी, उनको पता चलेगा भाई एक व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे नहीं पहुँचा है जी, और वो उसको भी जिंदगी में कुछ करने की प्रेरणा बनेगी। आप अपने आप को कम मत आंकिए जी। आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आप से प्रभावित है, लेकिन वो आपसे प्रेरित भी हो सकता है अगर आपके जीवन की सच्चाइयों से वो परिचित हो जाएगा। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कठिनतम समय से गुजरना न पड़ा हो, और वही है जो दुनिया को ताकत देता है। और इसलिए मैं आज आपसे ये भी एक चाहता हूँ कि आप जब ये हमारे देश की युवा पीढ़ी आपकी तरफ देखती है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं आई है। जन्म से कोई अच्छा चेहरा मिल गया इसलिए मैं यहाँ नहीं पहुंचा हुई, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीजें नए लोगों के सामने कैसे आओ, और मेरा मानना है कि लाइफ बिल्डिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग में इस तरह के कन्वर्सेशन से युवाओं को बहुत लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे जुड़े अपने अनुभवों को युवाओं से अवश्य शेयर करेंगे। इसी तरह मेरा ये भी आग्रह होगा कि जैसे ये म्यूजियम बना है, वैसे ही अलग अलग कालखंडों, टाइम पीरियड में भारतीय सिनेमा की ताकत क्या रही है, उस पर भी काम किया जाए, उसे भी संग्रहित किया जाए। जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले 25 साल कैसे रहे होंगे, तब फिल्म बनाने में किस तरह का संघर्ष होता था, अब उसमें क्या बदलाव आया है, इसे लेकर एक विभाग उसका बनाया जा सकता है, तो लोगों को इस प्रकार की हिस्ट्री के साथ जीने का अवसर मिल सकता है। अब आज जब 21वीं सदी में फिल्में बनाने का तरीका, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल दिया है, तो उन पुरानी बातों के बारे में जानकारी को संजो के रखना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही इस बारे में भी विचार की आवश्यकता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाली पीढ़ी में विज्ञान, इनोवेशन, इसके प्रति उसका रुझान बढ़े। आपने देखा होगा दुनिया में साइंस को बेस बनाकर के फिल्मों का एक सिलसिला चला, भारत में उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी को, छोटे बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। साइंटिफिक टेम्पर बनाने के लिए इन चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे, आप लोग बायोपिक तो बनाते ही हैं, अलग अलग सेक्टर में लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस, इनोवेशन, एनवायरनमेंट, ये ऐसे विषय हैं जिस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने एक बदलाव किया है पद्म पुरस्कारों को लेकर के। बीते 4 वर्षों में हमने खोज कर देश के ऐसे अनसंग हीरोज निकाले हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी पहचान के मानवता की सेवा में लगे थे। उस राज्य के भी किसी अखबार ने उनके लिए 2 लाइन नहीं लिखी थी। हमने खोजा, पूरे देश में से खोजा, और मैं लगातार ये काम करता रहता हूँ, और ऐसे लोगों को हमने पद्मश्री दिए। अजूबा है जी, कोई पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम कर रहा था तो कोई गरीबों को मुफ्त में दवा इलाज करा रहा था, कोई स्कूल चला रहा था, यानी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी छोटा सा कमाया है उसके लिए वो खपा देता था।
ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और मैं ऐसे लोगों को बहुत महान मानता हूं। उनको जितना सम्मान दे उतना कम है, लेकिन क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनके तरफ गया है क्या? आप देखिए, किसी की जिंदगी में नजर कीजिए, जब आप बायोपिक बना रहे थे, इसमें भी ऐसे ऐसे केस स्टडी मिलेंगे जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। आपकी कहानियों के लिए, आपके सिनेमा के लिए, दूर सुदूर जंगल में पड़ा हुआ एक इंसान भी देश के लिए कारण बन सकता है जी। अगर दशरथ मांझी जैसी कथाएं कितनी ताकत रखती है जी, कितनी ताकत रखती है। साथियों, एक बात है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, 1857 1857 का स्वतंत्र संग्राम, हम पता नहीं हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन 1857 के स्वतंत्र संग्राम की ओर जिसने देखा होगा, हमारे देश के आदिवासियों ने जिस प्रकार से जंग किया था अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ, 1857 का स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व एक प्रकार से इस देश के आदिवासियों ने किया था, और हर आदिवासी इलाके में उसकी कथाएं हैं। एक साथ 100-100, 200-200 लोगों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था, और आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन देश के लिए त्याग बलिदान करने वाले इन महानुभावों की कथाएं, जलियांवाला बाग हमें ध्यान है, लेकिन हर जगह पर ऐसी कथाएं पड़ी है। एक मिशन से सरकार एक काम कर रही है, इन दिनों मैंने तय किया है कि जिन राज्यों में इस प्रकार के आदिवासी समाज की घटनाएं हैं, उनका 1857 के स्वतंत्र संग्राम में उनके योगदान को खोज करके एक म्यूजियम बनाना, अलग अलग राज्यों में उस प्रकार के म्यूजियम बनाने के काम चल रहे हैं, उन पुरानी घटनाओं को खोजा जा रहा है। आपके पास क्रिएटिव टैलेंट है, क्या देश की इतनी बड़ी त्याग बलिदान सेवा करने वाले लोग, लड़ाई लड़ने वाले लोग, सरकार जो म्यूजियम बना रही है उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपके टैलेंट का, आप वर्चुअल म्यूजियम मानो बनाना है, आपके पास महारत है रिसर्च करने में, बाकी चीजों में सरकार आपकी मदद करेगी। और मुझे लगता है कि हम इसको कर सकते हैं, एनिमेशन फिल्म के जरिए या किसी वर्चुअल प्रेजेंटेशन के जरिए हम हमारी नई पीढ़ी को इसके लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। और देश में ये जो नक्सल के नाम पर जो दुनिया चलाने वाले लोग हैं, हम अगर उससे बड़ी चीज बताएंगे देश के लिए, आपके पूर्वजों ने ये दिया, तो मैं नहीं मानता हूं कि आज हमारे ही देश में स्कूल को उड़ा देने के जो पराक्रम करने वाले लोग हैं वो सही रास्ते पर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, आएंगे, वे भी सही रास्ते पर आएंगे। और इसी तरह एक और बात है, मैं चाहूंगा कि जो थिएटर की दुनिया है, आप में से बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी का पूर्वाश्रम कहीं ना कहीं थिएटर रहा है। देखिए, थिएटर भारत की सशक्त परंपरा रही है, शाकुंतल से लेकर के आज तक हमारे यहाँ शास्त्रों में उसका बहुत बड़ा स्थान रहा है, और दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। और मैं नहीं मानता हूं हमने थिएटर और फिल्म को अलग करना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके उसकी हिस्ट्री भी, उस बातों को भी देश और दुनिया में लाने का हम काम कर सकते हैं, तो इस कला जगत की बहुत बड़ी सेवा होगी, आने वाली पीढ़ी को लिए लाभ करता होगा। और हमारे देश में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग भाषाओं में इसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं, और मैं समझता हूं कि थिएटर और फिल्मों का बहुत अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इस दिशा में आप कुछ कर सके तो थिएटर को भी एक नई ताकत मिलेगी और नई टैलेंट के लिए नया अवसर मिलेगा। साथियों, लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि सारे काम वही अकेले कर सकती हैं, तो मैं समझता हूं वो सरकार आपको भी मूर्ख बना रही है और वो भी गलत कर रही है। सरकार को सबके विकास के लिए सबका साथ भी चाहिए। जन भागीदारी बढ़ाने में, देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाने में, देश को जागरूक करने में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के योगदान की सराहना मैं करता हूं, मैं इस योगदान को नमन करता हूं, और ये देश की बहुत बड़ी सेवा की है, उसका आज आपके बीच आकर के गौरव का गान करना मेरे लिए भी एक धन्य पल है। इस कार्य के लिए मुझे आने का अवसर मिला, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आप वो लोग हैं जिनको सलाह देने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि सलाह भी तो फ्रीडम के खिलाफ है ऐसे माना जाता है, लेकिन फिर भी मैंने शायद कुछ अधिक आपसे कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आइए
हम सब मिलकर के देश के लिए और इस देश को दुनिया के लिए कुछ करने के लिए तैयार करें, ताकत के साथ आगे बढ़े। ये क्षेत्र मैं सामान्य नहीं मानता हूँ, भारत की ये असामान्य पूंजी हैं, 100 साल की आपकी तपस्या का परिणाम है, दुनिया को भी आप पर हक है, हमारा भी जिम्मा है कि दुनिया को इससे परिचित कराएं, दुनिया को प्रभावित करें और दुनिया को प्रेरित करके हम भारत का झंडा गाड़ने में आगे आएं। इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके प्रोत्साहन, आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपका आभार। आपकी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की ही बदौलत आज सामान्य जन सपने देखने की क्षमता रखता है, उसे विश्वास है ये सपने जरूर पूरे होंगे। आपकी उपस्थिति ने इस अवसर को बेहद खास बना दिया है। सिने इतिहास में यादगार रहेगी आज की तारीख, जब इस राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि अभिनंदन, हार्दिक आभार, एक बार फिर जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन करते हैं मेहमान मंच पर मौजूद सभी विशिष्ट मेहमानों का और यहाँ पर सभागार में मौजूद माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, फिल्म जगत के दिग्गज सम्मानित हस्तियों, विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के मित्रों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्थान करने तक कृपया अपने स्थान पर बने रहें। स्पेशल थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू डीजी क्यूरेटोरियल एंड सपोर्ट टीम ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता। हार्टफेल्ट थैंक्स टू चेयरमैन एंड इंजीनियरिंग टीम ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन फॉर क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेशल थैंक्स टू प्रोक्योरमेंट कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी एंड इनोवेशन कमिटी फॉर देयर सपोर्ट एंड गाइडेंस। दिल से आभार उन सभी का जिन्होंने संग्रहालय के लिए कलाकृतियां और उपकरण डोनेट किए हैं। We also offer special thanks to the teams of Films Division for working hard all these years to make this museum a reality. प्रधानमंत्री के इस सभागार से प्रस्थान के बाद आप लोगों के प्रस्थान को लेकर अहम जानकारी। रो ए से लेकर रो जी तक पर जो विशिष्ट अतिथि हमारे यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले वो प्रस्थान करेंगे। पीछे की रो के लोग कृपया इंतज़ार करें अपनी बारी।